भैया जखी भाव जटाइन बनी बने जाके से मारो रे आज कार्तिक का महीना है भैया दौज है। आज एक बहन अपने भाई के यहाँ दौज खवाने के लिए आई है तो देखिए उस ननद की भावज ने आज उस ननदी का एक महीने का बेटा कैसे मौत के गाल में डाला है। गाने की तरफ गौर करेंगे ऐसी भी माई इस कलयुग में पड़ी हुई है जो कि अपने खास भानेज को आज मौत के घाट उतारा है। तो भैया इस गाने की तरफ गौर करेंगे बड़ा ही दुख भरा गाना लेकर के आ रहे हैं तो कैसे काटा है तो आ जाइए भैया एक ओ भैया एक भैया लड़े तीन तो जकरी में तू आई रे भैया जकी भाव जटाइन बनी बनी जाके हाँ दोस्तों वो कैसी भावज है ध्यान देंगे गाने की तरफ अरे ये बिगड़े बाप की लली दुल्हनिया बन घर आई रे भैया जन तेरी धारो देखी माओ सासु जनिया पानी खाई लई रे ऐसे भाग्य की घर में आई जैसे ही ढेरी पर पैर रखा है तो आते ही सास को इसने डस लिया यानी सास को अटैक पड़ा और मौत के काल में बिचारी चली गई। देखिए ऐसे नसीब की बहुएं आती हैं जो घर को बर्बाद कर देती हैं। ऐसी वो आई है आते ही और अपनी सास को खा लिया। हुआ क्या भैया सेवा काम के गाली दे बहुआ जिया कैसी भैया जनिया मत खाए लई सासु भाग की कैसी आए गई रे सब गांव के गाली दे रहे हैं अरे ये कैसे भागी की बहू आई है जिसने आते ही अपनी सास को खा लिया। लेकिन कुछ इतना व्यतीत हुए भैया हुआ क्या भैया जकी पीते बरस पाँच लला जनिए पांच वर्ष व्यतीत हो गई घर में कोई बालक नहीं है गोद में कोई बालक नहीं खिला पाई ऐसे भाग्य की घर में आ गई। आज भैया उसका पति को चिंता होने लगी आज सोच रहा है बैठा बैठा भैया जाके पति को चिंता पड़ी नारे घर जो आई गई रे Thank you.
भैया जने बहुत करायो इलाज लला जने कुन जायो रे भैया पति मन मेरा हो बिचारी हमारी नाथ जो हुई गई रे आज पति मन में विचार कर रहा है हमारी ऐसे घर में नारी आई है अरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ हमारी तो नाठ की नाठ ही रह गई। भैया हुआ क्या कुछ दिन व्यतीत हुए आज वो पांच देखिए क्या कर रही है। भैया ये कदना की बात पांच पनिया को चाली रे भैया कुआटा पे परोसने मिली बाजा सो रही बतलाई रे आज कुआटा पर एक परोसन मिल गई और बातचीत होने लगी है दोनों में तो परोसन क्या पूछ रही है उस नारी को। बिना तुम कैसी हो मन न पति पर भेज दर बिना मेरे पति रहे मेरे साथ के चिंता ये कई लगी रही रे आज वो बांझ कहने लगी पड़ोसन से कि मेरे पिया घर पर ही रहते हैं लेकिन बहन मुझे एक चिंता खाई जा रही है। और क्या बोली है उस पड़ोसन से वो नारी बिना मेरी कोख में पथरा परे लला मिनी कुन जायो रे आज कहने लगी बहन मुझे सब सुख है मेरे पिया घर पर हैं लेकिन मैंने कोई एक कोख में अपने में बेटे को जन्म नहीं दे पाया। तो आज पड़ोसन कहने लगी अरे बहना चिंता क्यों कर रही है अरे मेरी बात सुन मैं एक उपाय बताती हूँ तुझे। तो वो पड़ोसन क्या बोली है बिना तू एक काम कर ले लला तेरे दसा दसा हो मेरे आज पड़ोसन कहने लगी एक काम तुम कर लो तो एक लला की तो चलती क्या है आपकी कोख से दस दस बेटे पैदा होंगे। तो आज हाथ छोड़ करके वो पांच कहने लगी है और क्या बोली है ओ बिना मेरी दिए अकल बताई के गुनो तेरा कब न भूले रे आज पड़ोसन कहने लगी है ठीक है सुन। तो क्या पड़ोसन ने बताया है देखिए बिना तू काल दुखिया को लालू काट देवी बचराए देर
बिना तेरे दसा दसा हो गे लाल के चिंता सेवा तेरी मिट्टी जाए रे आज पड़ोसी ने समझा दी कि किसी का एक महीने का पुत्र हो काट करके तू देवी माँ पे चढ़ा देना। अरे तेरे एक पुत्र की तो चली का दस दस बेटा पैदा होंगे। आज पांच के मन में भा गई और क्या बोली है उस पड़ोसी से, भैया इतनी सुने की बात ना रे पड़ोसी ने बिना मेरी ये कलला की का कहला मतूत काटी दिल रे बिना मेरी ये आज इतनी बात पड़ोसन से कह करके घड़ा को हटाया है और दो पांच औरत अपने घर को आई है। भैया भरी की जो पनिया देखी नारी घर या पनी आई गई रे इतनी बार तालाब होकर के अपने घर घर आ गई। देखिए भैया हुआ क्या, भैया ये देखा मासा गए प्रीति महीना कार्तिक को आई गौरे भैया दीवाली गई देखे बीत के भैया तो जो आई गई रे जैसे ही भैया दो जाई है भैया ने फोन लगा दिया अपनी बहन के लिए और क्या बोला है उसे क्या पता था कि मेरी बहन के साथ में क्या हो जाएगा। आज भैया ने फोन पर बतला रहा है अपनी बहन से, भैया ये ते भी ओ इते भैया ने लगाए दा फोन बहने मोई तो भैया ये तभी भाई तैयार लला जने अपनो सजाए लौरे आज बहन ने इतनी भैया की बात सुनी तो भाई बहन का तो अद्भुत प्यार होता है और दोज का दिन ऐसी निर्दयी बहन कौन होगी तो अपनी भाई की खबर पर ना आए। बहन झटपट तैयार हो गई, अपना एक महीना का बेटा उसने सजाया है और मन में बड़े विचार हैं और क्या सोच रही है बहना, बोला ला मेरो मामा की रहो जाए के माई अति खुश हो आज सोच रही है मेरा बेटा आज मामा के यहाँ जा रहा है तो
मेरा भाई मेरे बेटा को जैसे ही देखेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा, और मेरी भाभी बहुत ही खुश होगी। लेकिन उस ननद को क्या पता था कि मेरे बेटे के लिए क्या अनहोनी होने जा रही है। देखिए भैया पहुंची द्वारन पी चतवार पे भावज मिल गई रे, भैया नदी के छुई जैसे ही ननद के लला को जैसे ही देखा है आज मोहित हो गई देख करके वो भाभी। भैया देख ननद को लला भावा जया जो मन में सोचे रे, सुराये सोई हो तो मेरा लाल दुख मेरे सिर मिट जाते रे, आज सोच रही है अगर ऐसा ही एक मेरी गोदी में बेटा होता तो आज मुझे किस बात की चिंता थी। ये सोच रही थी तब तक हुआ क्या भैया, भैया या जो परोसने की रे पातक ध्यान में जाके आई गई रे, जमन में करे विचार शिकार घर आज वो डाहिन भावज कहने लगी कि एक महीने का बेटा है, अरे मैं किसका ढूंढने के लिए निकलती, आज तो भगवान की बड़ी लंबी बाहें हैं जो घर पर ही एक महीने का बेटा मुझे दे दिया, क्यों नहीं इसको काट दूं। देखिए भैया ननद को क्या पता था कि मेरे बेटे के साथ में क्या होने वाला है, हुआ क्या आगे देखेंगे। अरे इतना भैया ने देखी बिन जाए के गले लगाए लई रे, पानी जो मामा ने ले लाको तके यस यस आज भैया जैसे ही मामा ने अपने भानेजी को देखा है हृदय से लगा लिया और बड़ा ही खुश है। लेकिन उस मामा को क्या पता था कि वो माँ ही डाइन बैठी है बेटा को घोर नहीं देखने देगी, हुआ क्या भैया ये तत्समा हो न गई भावा जाने खानो हारी थकी बेचारी ननद सो गई
और अपने बगल में बेटा को लेटा लिया है। आज वो डायन देख रही है कि मेरी घाट कब लगे, इस बेटा को काट दो और देवी माँ पर चढ़ा दो। हुआ क्या भैया? भैया इतना दुख की गढ़ी गई, कहता मुँह पे कहीं न जाए रही रे। भैया जाने को दाई उठाओ भाने जुताया जाए बेटा को गोद में उठाया और गरसा पर रेती लगा करके और जैसे ही टाइम लेकर के बेटा को चली है। अरे भैया, ओ भैया जने को दाई उठाए ला ला दया जय जैनी कनाई दया ला कोसी सुखाट दारे। उस बेवफा को नेक रहम नहीं आया और गरसा चला दिया है गले पर। अरे भैया, भैया जने जैसे गड़ा सादयो खून के चले फुआरे रे। भैया जने देवी पे तयो चढ़ाए आज देवी माँ पर चढ़ा दिया और मन में विचार कर रही है, अब तो मेरे एक नहीं दस बेटा पैदा होंगे। बारी डाहिन हुआ क्या भैया? आरे जन ले खिलला को सुख जाने वो सभी बेटा का शीश लेकर के और बुसों में दबा दिया है। देखिए ऐसी माँ ही डायन होती है। भैया ये ते भोरा भोरा रो भयो अरे इतना नदी की खुल गई आँख लला को रही निहारी रे। आज जैसे ही नंदी की आँख खुली बेटा को जैसे ही देखा, बेटा पास में नहीं था, आज झपट के अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी भाभी मेरे बेटा का सोई रहो बाबा जाने का दिए बताई रे।
आज पूछने लगी भाभी मेरा बेटा कहाँ छुपा दिया है तुमने, तो वो डायन भाभी क्या बोली है उस नंदी से, नाना जी सोए गए सुख की नींद लला कुछ ना वरुले गारे, आज कहने लगी तुम सो लो, अरे सोने के लिए आई थी, आधी रात के वक्त मैंने देखा तो जिनावर आपके बेटे को ले जा रहा था, बारी चाहे आज बेटा काट करके उसमें काट दिया है, आज ननदी को जैसे ही सुबह हुआ अपना आंगन देखा है, अरे भैया बेटा को या नाना में देखो खून मोड़ो धरती सुमारे भाभी मेरी सासु ने पूछे बात कहाँ हमायों ने बताई ने, आज भैया ननद रो रही है आंगन में और देखिए डान खड़ी हुई कह रही है कि जिनावर ले गया है, बारी ताहिन आज उस नंदी के कैसे देश निकाले करवाए हैं उस ताहिन ने, तो भैया इस अब देखिए उस भावच का क्या होता है ये अगले भाग में आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए इतना ही, रोशनी यादव स्टूडियो के सौजन्य से गाय को ही आपके जाने पहचाने नरेश खटाना जी, तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा यही मिलती है कि आप किसी को गड्ढा खोदोगे तो वो नहीं गिर सकता, लेकिन आप गिरोगे उस गड्ढे में, कर भला तो होगा भला, इस गाने से यही शिक्षा मिलती है, उस डायन को एक जन्म तो क्या सातों जन्म संतान नहीं मिल सकती है, तो ध्यान देंगे गाने की तरफ, रोशनी यादव स्टूडियो पर गायक वही आपके जाने पहचाने नरेश खटाना जी, तब तक के लिए इतना ही, अगर आपके ताश पर कोई गलती हो तो अपना बच्चा समझ के माफ करेंगे, ऐसे ही नए नए गाने सुनते रहिए रोशनी यादव स्टूडियो पर, अरे एक भाई लड़े तीन दो जगरी कुआई रे भैया जगी भाई